हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू सीरीज का पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 11 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कांस्टेबल, एसएसयू, एसपीयू, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कांस्टेबल लेवल के पेपर्स मौजूद हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 276, किबला वाज चेंज्ड इन विच हिजरी। किबला किस हिजरी को तब्दील हुआ? किबला 2 हिजरी को तब्दील हुआ। इसके अलावा अगर आप कुरान मजीद में किबला चेंज होने के बारे में डिटेल तफसील जानना चाहते हैं तो सूरा अल बकरा की आयत नंबर 144, 149 और 150 में किबला चेंज होने के अहकामात मौजूद हैं। इसे आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 277, जनरल परवेज मुशर्रफ इम्पोज्ड एमरजेंसी ऑन। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को एमरजेंसी नाफिज की। जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के 7वें आर्मी चीफ होने के साथ साथ पाकिस्तान के 10वें सदर भी रह चुके हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लें, पाकिस्तान में 1947 से लेकर अब तक 2021 तक 3 मार्शल लॉ नाफिज किए जा चुके हैं। जो चौथी परवेज मुशर्रफ ने इम्पोज की थी, नाफिजुल अमल की थी, वो एमरजेंसी थी, ना के मार्शल लॉ। एमरजेंसी और मार्शल लॉ में फ़र्क होता है, इसलिए अगर पेपर में एमरजेंसी पूछी जाए तो आपने 12 अक्टूबर 1999 वाली परवेज मुशर्रफ वाली एमरजेंसी आपने मेंशन करनी है। अगर मार्शल लॉ पूछा जाए तो 3 मार्शल लॉ अब तक नाफिजुल अमल हो चुके हैं। वीवर्स, अगर आप एसएसयू स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की इस सीरीज को, जो कि हमारे पास नोट्स की सूरत में बिल्कुल रेडी है, इसे आप बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज़ को बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे इन नोट्स को, इन सीरीज़ को बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दर्ज है, इसे अपने मोबाइल में ई टेस्ट के नाम से ज़रूर सेव करें, क्योंकि जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो हम स्टेटस के ज़रिए व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 278, अहमदी डिक्लेयर्ड एज नॉन मुस्लिम्स इन डैश अमेंडमेंट। अहमदी मरजइयों को गैर मुस्लिम काफिर करार दिया गया दूसरी तरमीम के तहत। 17 सितंबर 1974 को जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में सेकेंड अमेंडमेंट पास हुई, जिसमें कादियानियों, मरजइयों, अहमदियों को गैर मुस्लिम काफिर करार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 279, जियाउल हक वाज डाइड इन प्लेन क्रैश ऑन। जियाउल हक 17 अगस्त 1988 को तैयारा क्रैश होने की सूरत में फोत हुए। जियाउल हक C-130 हरकुलेस प्लेन, ये प्लेन का मॉडल है, इसमें सफर कर रहे थे। ये भावलपुर से इस्लामाबाद वापस जा रहे थे कि दरियाए सतलुज के करीब 17 अगस्त 1988 को इनका जहाज क्रैश हुआ और इनकी वफात हुई। जियाउल हक पाकिस्तान के 2वें आर्मी चीफ होने के साथ साथ पाकिस्तान के 6वें सदर भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 280, हाउ मैनी खुतबा इन हज। हज में कितने खुतबे होते हैं? हज में एक खुतबा होता है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में हज की टाइप्स पूछी गई हैं। हज की 3 इकसाम हैं, 3 टाइप्स हैं, हज अफराद, हज किरण और हज तमत्तु शामिल हैं। ये हज की 3 इकसाम हैं, इन दोनों ऑप्शंस को याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस को, बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, हर लेटेस्ट इम्पोर्टेंट पेपर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 281, व्हाट इज लेंथ ऑफ द थर डेजर्ट। सहराए थर की लंबाई कितनी है? सहराए थर 238,254 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। सहराए थर दुनिया का 17वां बड़ा सहरा है। ये सहरा पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में वाक़िया है। क्वेश्चन नंबर 282, ईस्ट पाकिस्तान
बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान हो। ईस्ट पाकिस्तान जो इस वक्त बांग्लादेश के नाम पर दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। ये 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ। बांग्लादेश का जो पहला प्रेसिडेंट बना उसका नाम शेख मुजीबुर रहमान था। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट था पहला बांग्लादेश का, उसका नाम सैयद नजरुल इस्लाम था। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई पेपर्स में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 283, फैसलाबाद इज एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री ऑफ। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक है। फैसलाबाद में पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मौजूद है। फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर है। फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पे कई कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान क्यों कहते हैं। नोट कर लें, इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर। उस शहर मैनचेस्टर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसी तरह से है जिस तरह फैसलाबाद में है, यानी कि यूके में, इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मैनचेस्टर में है। इसी तरह फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में है, इसलिए फैसलाबाद को उसी की मुनासबत से मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 284, इफ़ योर फ्लाइट इज़ फ्रॉम कायद आज़म एयरपोर्ट टू अलामा इकबाल एयरपोर्ट, देन फ्राम वेयर यू आर गोइंग। अगर आपकी फ़्लाइट कायद आज़म एयरपोर्ट से अलामा इकबाल एयरपोर्ट की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि आप कराची से लाहौर की तरफ सफ़र कर रहे हैं। कायद आज़म एयरपोर्ट कराची में है जबकि अलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर में वाक़िया है। क्वेश्चन नंबर 285, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन। ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम 1600 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को कायम किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर इंग्लैंड लंदन में था। इस कंपनी को जॉर्ज वाइट और जॉन वाट्स ने 1600 में कायम किया था। क्वेश्चन नंबर 286, द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान इज। पाकिस्तान में सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये मालाकंड में मौजूद है। इस प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट का नाम जो है जब्बन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये पाकिस्तान का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है। ये सवाद कैनाल, मालाकंड डिवीजन में एक नहर है जिसका नाम सवाद कैनाल है, उस पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 287, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की पीएच क्या है। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि सबका पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। ब्लड खून की जो पीएच है वो 7.4 होती है। व्यूअर्स, यहाँ पे क्योंकि 7.4 दिया गया है इसलिए हम 7.4 को ही टिक करेंगे, लेकिन अगर आप एक्यूरेट देखें तो 7.35 से 7.45 के दरमियान खून की पीएच होती है। इसके अलावा दूध की पीएच 6.5 से 6.7 होती है, जबकि पानी की पीएच 7 होती है। पानी में ना ही एसिडिक क्वालिटीज़ होती हैं, ना ही तेजाब की खसूसियात होती हैं और ना ही असास की। क्वेश्चन नंबर 288, The physical parts of computer system are called। कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, जो फिजिकल पार्ट्स हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते सिर्फ देख सकते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 289, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भावलपुर सिटी इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ। व्यूअर्स, भावलपुर सिटी जो है ये दरियाए सतलुज के पास वाक़िया है, दरियाए सतलुज पर वाक़िया है। भावलपुर सिटी पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है। इस शहर को 1748 में नवाब
बहावल खान ने कायम किया। नवाब बहावल खान के नाम पर ही इस शहर का नाम बहावलपुर रखा गया। बहावलपुर वो पहला रियासत है, पहली स्टेट है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को ज्वाइन किया। बहावलपुर वो रियासत है जो सबसे पहले पाकिस्तान में जम हुई। 5 अक्टूबर 1947 को बाकायदा तौर पर बहावलपुर रियासत ने एग्रीमेंट के थ्रू पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। क्वेश्चन नंबर 290, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ ईगल्स। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसे सिटी ऑफ ईगल्स, उकाबों का शहर कहा जाता है? सरगोधा को सिटी ऑफ ईगल्स कहा जाता है क्योंकि ये इसकी लोकेशन जो है ये डिफेंसिव लोकेशन है और यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं, जिस वजह से सिटी ऑफ ईगल्स सरगोधा को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक एयरफोर्स का तरबीती कैंप भी है जिसकी मुनासबत पर भी इस शहर का नाम सिटी ऑफ ईगल्स है। क्वेश्चन नंबर 291, द प्रोसीजर इन विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड। वो तरीकाकार जिसके तहत पौधे खुराक तैयार करते हैं इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 292, हु वाज फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिन था, जबकि इंडिया के जो आखिरी वायसराय थे उनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। इंडिया के टोटल 17 वायसराय रह चुके हैं। 1856 से लेकर 1947 तक 17 वायसराय ऑफ इंडिया आए। क्वेश्चन नंबर 293, द नेम ऑफ रहीम यार खान इज बेस्ड ऑन। रहीम यार खान का नाम किस चीज की बेस पर रखा गया? व्यूअर्स, रहीम यार खान ये एक शख्सियत थी। इसका बैकग्राउंड आपको बताते चलो कि चार भाई थे जिनका ताल्लुक बलोच फैमिली से था। इन चार भाइयों का नाम गाजी खान बलोच, दरिया खान बलोच, इस्माइल खान बलोच और रहीम यार खान बलोच था। इन ये चारों भाई जो है ये जिस जिस इलाके में इन्होंने अपनी रिहाइश रखी, जहाँ पे इन्होंने सुकूनत इख्तियार की, उस इलाके को इन्हीं के नाम से मंसूब कर दिया गया क्योंकि ये अपने इलाके के वडेरे थे और इन्हीं के नाम की मुनासबत से इन इलाकों के इन शहरों के नाम रखे गए। जैसा कि आप जानते हैं डेरा गाजी खान, दरिया खान, डेरा इस्माइल खान और रहीम यार खान, ये चारों शहर जो हैं ये मौजूद हैं और ये चारों शहर इन चारों भाइयों के नाम पर रखे गए। क्वेश्चन नंबर 294, विच एम्पीरर कंस्ट्रक्टेड द अटक फोर्ट। अटक का जो किला है ये बादशाह अकबर ने तामीर करवाया था। बादशाह अकबर ने ये किला 1581 में तामीर करवाया। हाल में इस वक्त ये जो किला है 1956 में ये आर्मी की यूनिट एक डिपार्टमेंट है SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, ये 1956 में इनके हैंडओवर कर दिया गया। इस वक्त भी ये किला अटक फोर्ट SSG के कमांड में है। क्वेश्चन नंबर 295, पाकिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद। पाकिस्तान की सबसे कम बाउंड्री चाइना के साथ है। पाकिस्तान की बाउंड्री जिन ममालिक के साथ है उन्हें नोट कर लें और उनकी लंबाई भी नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में पूछी गई है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसकी लंबाई 959 किलोमीटर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे लंबी बाउंड्री लाइन है जिसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सबसे छोटी बाउंड्री लाइन है जिसकी लंबाई 569 किलोमीटर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाउंड्री लाइन जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है इसकी लंबाई 2670 किलोमीटर है। व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम लेक्चर्स को जो YouTube पर मौजूद हैं सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा Facebook का पेज E-Test Facebook पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स हमारे YouTube पर मौजूद हैं ये तमाम लेक्चर्स
आपको फेसबुक पर हमारे पेज ई टेस्ट पर भी मिलेंगे। आपके सामने हमारी स्क्रीन पर लिंक मौजूद है, इसको आप लिख के फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मौजूद है, वहाँ से भी आप क्लिक करके इस पेज पर जा सकते हैं। आप फेसबुक पर ई टेस्ट लिखेंगे तो हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा जिस पर सेम लोगो मौजूद है। सवाल नंबर 296, पाकिस्तान के कुल रकबे का कितने फीसद बलूचिस्तान पर मुश्तमिल है? पाकिस्तान का कुल रकबा जो है इसका 44% जो है बलूचिस्तान कहलाता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान का कुल रकबा 347,190 मुरबा किलोमीटर है। सवाल नंबर 297, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन बार 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 रिपीट हुआ है, इसे याद रखिएगा। कुरान मजीद में सबसे पहली कौन सी सूरा नाजिल हुई? कुरान मजीद में सबसे पहली सूरा जो नाजिल हुई उस सूरा का नाम सूरा अलक है। पहली वही गारे हीरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। पहली वही में सूरा अल अलक की पहली 5 आयात नाजिल हुई। जब पहली वही नाजिल हुई इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। कुरान मजीद की सबसे आखिरी नाजिल होने वाली सूरा का नाम सूरा अल असर है। सवाल नंबर 298, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां और बेटे थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियों की तादाद 7 थी, जिनमें 3 बेटे और 4 बेटियां शामिल हैं। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु शामिल हैं, जबकि बेटियों में फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मे कलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा शामिल हैं। सवाल नंबर 299, पुलिस का निज़ाम किस सहाबी के दौरे खिलाफत में किया गया? पुलिस का निज़ाम उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में दौरे खिलाफत में कायम किया गया। पुलिस और आर्मी, मुख्तलिफ पेपर्स में ये दोनों ऑप्शंस पूछे गए हैं। पुलिस और आर्मी का निज़ाम उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कायम किया गया। सवाल नंबर 300, शेरी लिसानियात किसकी तसनीफ है? शेरी लिसानियात अनीस नागी की तसनीफ है। शेरी लिसानियात को मार्च 1969 में पहली बार शाया किया गया। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अगर हमारी टीम की ये स्ट्रगल काबिश आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में SSU सीरीज़ के पार्ट 13 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।